हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी ऑन स्टूडेंट रिक्वेस्ट पे कि कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बताओ। तो उस टाइम मैंने जो पी के सिन्हा कंप्यूटर की बुक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की, पी के सिन्हा की जो बुक है बीपीबी पब्लिकेशन के थ्रू जो हुई है, एक्चुअली बीपीबी जिसका पब्लिकेशन है, तो उसके थ्रू मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया था। तो उसी चैप्टर की रिक्वेस्ट के बाद फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है, उसी की रिक्वेस्ट पे मैं आज से मेरा ये जो पी के सिन्हा वाली बुक है, ये वाला जो सेशन है, ये कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो वन बाय वन इसमें हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आई हैव ऑलरेडी डन, तो आज मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ और वन बाय वन हम इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये ऐसी बुक है, ये वाली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बाय पी के सिन्हा एंड बीपीबी पब्लिकेशन के, जिस बीपीबी पब्लिकेशन जो इसकी बुक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये वाली बुक डायरेक्टली कहीं से भी आप ले सकते हो, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में जो इसका फर्स्ट चैप्टर था उसकी मैं अलग से आपको प्लेलिस्ट भी दे दूंगी ताकि आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने बेसिक कंप्यूटर की एडवांटेजेस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टराइस्टिक्स क्या होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर फंक्शनैलिटीज क्या होती है, और मेनली उसकी जनरेशन यानी कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है, वो सब हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम इसी बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके रिगार्डिंग जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं इस वीडियो में फोटो में अपलोड भी कर दूंगी, साथ में ही इसी वीडियो में अटैच कर दूंगी, बट जो जो मेन मेन कंटेंट्स हैं ओनली वही मैं अपलोड कर पाऊंगी। अगर फिर भी आप जो कुछ डीप में पढ़ना चाहते हैं, समझा मैं सारा दूंगी, बट स्टिल आप कुछ रीड करना चाहते हैं तो आप इस बुक की हेल्प से सब कुछ रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो इस बुक का चैप्टर नंबर 2 है। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो यानी कि कंप्यूटर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ये सब हम देखेंगे। कंप्यूटर का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है वो हम स्टडी करेंगे। इनपुट यूनिट्स क्या होती है, इनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होते हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होते हैं, एंड स्टोरेज यूनिट क्या होती है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एंड इसी के अंडर टाइप ऑफ स्टोरेज कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट उसमें आएगा ALU क्या होता है, CU क्या होता है, CPU क्या होता है, तो ये सब भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो 5 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के, वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये टॉपिक हमारा रहेगा जिसमें कि 5 टॉपिक्स आते हैं। इनपुट आता है, स्टोरिंग आता है, प्रोसेसिंग आता है, आउटपुटिंग आता है, एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं इनपुटिंग। तो इनपुटिंग का प्रोसेस हमें क्या बताता है, इनपुटिंग जो ऑपरेशन है कंप्यूटर सिस्टम का वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि जो भी हम प्रोसेस, जो हमारी प्रोसेस है एंटरिंग द डेटा, यानी कि जो भी हम डेटा एंटर करते हैं वो किसकी प्रोसेस, किसके अंडर आता है, वो इनपुट के अंदर आता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं। यानी कि नॉर्मली जो भी हम इनपुट करते हैं वो किसके अंडर आता है, इनपुटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकंड जो ऑपरेशन है उसकी है स्टोरिंग, यानी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, इनपुट ही कर रहे हैं, तो उसकी स्टोरिंग कैसे हो रही है, यानी कि कैसे वो स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, क्या टाइम ले रहा है, क्या डेट ले रहा है, कितनी कितना साइज ले रहा है, तो ये सब कॉन्सेप्ट किसके अंडर आता है, स्टोर के अंदर आता है, कि कैसे डेटा को स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थर्ड ऑपरेशन की, जो कि हमें बताता है प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, यानी कि प्रोसेसिंग में हमें बताता है कि ALU कैसे परफॉर्म कर रहा है, CU कैसे परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करने होते हैं वो कैसे चल रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशन करने होते हैं वो कैसे चल रहे हैं, यानी कि वो सब किसके अंडर आता है, प्रोसेसिंग के अंडर आता है, जो कि हमारे डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब हमें वो डेटा लेना होता है तो फिर से हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा को रिटर्न कर देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आउटपुटिंग, जैसे कि आपने इनपुट देखा जो कि डेटा को एंटरिंग करने का काम कर रहा था, वैसे ही आउटपुटिंग क्या है, डेटा को प्रोड्यूस करता है, यानी कि हमें एज अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा देता है, जब हमने डेटा, जो रॉ मटेरियल हमने डाला था वो उसको प्रोसेस्ड करके इंफॉर्मेशन में हमें प्रोवाइड करवाता है। तो जो भी हम इनपुट डालते हैं वो एक रॉ मटेरियल होता है जिसे हम डेटा बोलते हैं, और जब वो प्रोसेस हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं,
इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि ये प्रोसेस किसका आता है, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि क्या बताता है, डेटा कैसे प्रोसेस हुआ है और कैसे वो इन्फॉर्मेशन बना है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। तो यही यहाँ पर आउटपुटिंग में बता रहा है, जो भी हमारा प्रोसेस्ड डेटा एज अ इन्फॉर्मेशन हमें मिला है वो एज अ आउटपुट होता है। तो ये आउटपुटिंग का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, एक ऑपरेशन इसके अंदर आता है, जो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का काम क्या रहता है, डायरेक्शन देना, जो भी कंट्रोल करना, ये सब काम किसके अंदर आता है, जो भी हमने चार ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं अभी, जैसे कि इनपुट हो गया, स्टोर हो गया, आउटपुट हो गया और प्रोसेस हो गया। तो ये चारों फंक्शन जो अभी हमने परफॉर्म किया है, तो इन चारों को कंट्रोल कौन करता है, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग ऑपरेशन ही इन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फाइव ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट आता है इनपुटिंग, सेकंड आता है स्टोरिंग, थर्ड आता है प्रोसेसिंग, फोर्थ आता है आउटपुटिंग एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट नॉर्मली टॉप, जैसे कि बात करते हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है कंप्यूटर सिस्टम का। जैसे कि आप सबको पता रहता है कि इनपुट किया, प्रोसेस किया, आउटपुट हो गया। तो नॉर्मली इनपुट एंड आउटपुट आपको पता है कि आपने इनपुट में रॉ मटेरियल डाला और एज अ आउटपुट आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, यानी कि एक जो रॉ मटेरियल है प्रोसेस्ड फॉर्म में हमें डाटा मिल गया, प्रोसेस्ड फॉर्म यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इनपुट एंड आउटपुट का अच्छे से मतलब आपको नॉलेज है कि क्या होता है, कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं। इनपुट यानी कि मैं नॉर्मली एंटरिंग कर रही हूँ, आउटपुट यानी कि मैं डाटा को गेट कर रही हूँ यानी कि रिसीव कर रही हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट यानी कि प्रोसेस का काम क्या रहता है यहाँ पे, तो प्रोसेस के अंदर क्या क्या यूनिट्स होती है वो सब हम देखेंगे आज यहाँ पर। तो प्रोसेस में एक मेमोरी यूनिट होती है, एक ALU यूनिट होती है, एक CU यूनिट होती है, यानी कि प्रोसेस जिसकी हम CPU की बात कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रोसेसर क्या करता है, उसके अंदर तीन अलग अलग यूनिट होती है, एक होती है मेमोरी यूनिट, एक होती है ALU that stand for arithmetic logic unit and the third one is CU, वो क्या काम करती है, control unit, इसका नाम है control unit, as the name specifies it control everything from everything for the computer, यानी कि ये normally control करने का काम करती है। तो इसमें क्या रहता है, जो कि मैंने पहले बात की MU that is for memory unit, तो ये क्या करता है, secondary memory, private primary memory इनकी facility होती है, जो भी हमें storage mechanism होता है उसके according data को store करता है। In depth हम आगे के chapter में ये carry on करेंगे कि कैसे कैसे functionalities perform होती है primary memory में, secondary memory। अगर मैं यहां पर बात करूं कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि कैसे हम डेटा को पूरा का पूरा कंट्रोल कर पा रहे हैं, कैसे फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो ये सब चीजें कंट्रोल यूनिट के अंदर आती है। एंड द लास्ट वन इज ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट इसके अंदर होती है और एक इसके अंदर लॉजिक यूनिट होती है। तो अर्थमेटिक यूनिट का काम क्या रहता है, अर्थमेटिक यूनिट का काम रहता है जो भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, तो ये सब फंक्शनैलिटीज जो परफॉर्म करते हैं वो किसके अंडर परफॉर्म होती है, CPU के अंदर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, अर्थमेटिक यूनिट के अंदर परफॉर्म की जाती है। तो ऐसी अगर लॉजिक यूनिट की मैं बात करूँ, तो लॉजिक यूनिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, जैसे जो भी हम कंपेरिजन करते हैं, मर्जिंग ऑफ टू फाइल्स करते हैं, मर्जिंग द टू फाइल्स इन टू द थर्ड वन, तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आती है, ये सब चीजें लॉजिक यूनिट के अंडर आती है। तो ये सब काम किसका रहता है, ALU का, जो अर्थमेटिक फंक्शनैलिटी अर्थमेटिक यूनिट करता है। लॉजिकल टाइप की फंक्शनैलिटी तो कंपैरिजन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारी फंक्शनैलिटीज लॉजिकल यूनिट के अंदर या लॉजिक यूनिट के अंडर होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और CPU के अंदर हम लोग कौन कौन सी मेमोरीज को यूज कर रहे हैं, तो सॉरी कौन कौन से यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट यूनिट कौन सी होती है, मेमोरी यूनिट, नेक्स्ट होती है ALU एंड द लास्ट वन इज CU। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इनपुट यूनिट की, तो इनपुट यूनिट का काम क्या रहता है एक्चुअली, तो इनपुट यूनिट क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और जो भी आउटसाइड वर्ड होता है, कहाँ से एक्सेप्ट करता है, वहीं से एक्सेप्ट करता है, जैसे कि हम कीबोर्ड से एंट्री कर रहे हैं, जस्ट लाइक आउटसाइड वर्ड ही हो गया वो कंप्यूटर के लिए, तो वहां से वो डेटा को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट करता है इन जो भी ये डेटा रहता है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करता है और ये सप्लाई करता है आगे इसको प्रोसेसर को। नेक्स्ट अगर मैं आउटपुट की बात करूं, तो आउटपुट का क्या काम क्या रहता है, ये रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है, तो CPU से इसे मिला है और इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके ह्यूमन को पास कर देता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनपुट यूनिट का इंटरेक्शन कैसा रहता है, अगर यूजर में और सिस्टम में अगर इंटरेक्शन की बात करूं, तो इनपुट यूनिट का इंटरेक्शन हमेशा यूजर टू सिस्टम रहता है, एंड आउटपुट का कैसे रहेगा,
सिस्टम टू यूजर रहेगा। तो ये डिफरेंस रहेगा क्योंकि इनपुट का यूजर के बाद ही सिस्टम का यूज हो रहा है, ऐसे ही आउटपुट में सिस्टम का यूज पहले हो रहा है फिर यूजर का यूज हो रहा है, तो ऐसे ही ये इंटरेक्शन रहता है। तो इनपुट में कैसे इंटरेक्शन रहता है यूजर टू सिस्टम, एंड आउटपुट में कैसा रहता है सिस्टम टू यूजर, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टोरेज यूनिट की, तो स्टोरेज यूनिट क्या क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाती है कि कैसे हमें इमीडिएटली डेटा को स्टोर करना है, परमानेंटली स्टोर करना है, टेम्परेरी स्टोर करना है, क्या क्या फाइनल रिजल्ट प्रोसेस होएंगे, किसके थ्रू प्रोसेस होएंगे, कौन सी मेमोरी में प्रोसेस होएंगे, अगर मेरे पास डेटा मेन मेमोरी में नहीं है तो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को कैसे ले सकती हूँ, तो ये सब कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है स्टोरेज में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टोरेज में प्राइमरी स्टोरेज की या फिर सेकेंडरी स्टोरेज की, तो प्राइमरी स्टोरेज का काम क्या रहता है, प्राइमरी स्टोरेज जो भी आपका रनिंग प्रोग्राम होता है उसे होल्ड करने का काम किसका रहता है, प्राइमरी स्टोरेज का रहता है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है और वोलाटाइल नेचर में होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, व्हेन द पावर सप्लाइंग ऑफ योर कंप्यूटर इज गोइंग टू स्विच ऑफ योर डेटा विल बी टोटली लॉस्ट, यानी इसमें क्या रहता है, अगर आपका कंप्यूटर का पावर सप्लाइंग ऑफ हो गया और आपका डेटा प्राइमरी स्टोरेज के अंदर रखा हुआ है तो वो डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कंप्यूटर में नोटपैड यूज किया होगा, अगर आप नोटपैड पे कुछ काम कर रहे हैं विदाउट सेविंग दैट फाइल, यानी कि आपने अभी तक वो फाइल सेव नहीं की है, उस केस में अगर आप कॉन्टिन्यू उस पर काम कर रहे हैं और उसी टाइम वो अगर आपका सिस्टम बंद हो जाता है, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम आए, लाइट चली जाए या कुछ भी, अगर इनकेस अगर हम लैपटॉप यूज ना कर रहे हैं और कुछ भी एज ए बैटरी बैकअप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होएगा, जैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर जो सिस्टम को मिल रहा था जैसे वो बंद होएगा तो हमारा नोटपैड का सारा फाइल यानी कि हमारा पूरा कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा। तो उस केस में क्या था, वो जो नोटपैड की फाइल थी विदाउट सेविंग जो फाइल थी वो एक टेम्परेरी स्टोरेज कंटेन किए हुए थी, यानी कि वो प्राइमरी स्टोरेज को कंटेन किए हुए थी और इसके लिए उसको स्टोर परमानेंट स्टोरेज की जो हमने सेव करने की परमिशन नहीं दी थी, जो जैसे ही हमारी पावर सप्लाई ऑफ हुई तो हमारा सारा का सारा डेटा चला गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वोलाटाइल। तो अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी स्टोरेज की, तो वो नॉन वोलाटाइल होता है। तो इसी के एग्जांपल में मैं कंटिन्यू करती हूँ सेकेंडरी स्टोरेज की बात बताती हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्या आता है, अगर मैं वही नोटपैड फाइल को सेव कर देती और अगर उसके बाद सिस्टम को बंद करती तो वो वाला फाइल मेरे को एज इट इज अवेलेबल मिलता, यानी कि अगर मेरी फाइल सेव नहीं की हुई है तो वो एज अ प्राइमरी स्टोरेज कंसीडर होती है और अगर मैं सेव कर देती हूँ तो उस केस में वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है, यानी कि मेरे हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल इन नेचर होती है क्योंकि व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड योर डेटा विल बी टोटली लॉस्ट। तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करें वो नॉन वोलेटाइल नेचर में होती है, जब भी पावर सप्लाई ऑफ होती है हमारा डेटा लॉस्ट नहीं होता क्योंकि वो हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो प्राइमरी मेमोरी के और क्या क्या जो फीचर्स बोल सकते हैं या उसके जो कैटेगराइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है क्योंकि ये सीपीयू की स्पीड से जो कोऑर्डिनेशन सेट करके हमारे डेटा को एग्जीक्यूट करता है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। और इसकी कैपेसिटी जो कि स्टोरेज कैपेसिटी आज के टाइम में टीवीज में हम काम कर रहे हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी की होती है, बट प्राइमरी मेमोरी की सेकेंडरी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी स्मॉल होती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी स्टोरेज की, सेकेंडरी स्टोरेज का काम क्या रहता है, होल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्राइमरी तो क्या कर रहा था, रनिंग इंस्ट्रक्शंस को होल्ड कर रहा था और ये क्या कर रहा है, यानी कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है, जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर कर रहा है उनको होल्ड करने का काम करता है। ये काफ़ी स्लो होती है, इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि ये लार्ज कैपेसिटी कंटेन करके रखती है और ये काफ़ी सस्ती भी होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, और ये पावर सप्लाई होने पर अपने डाटा इसमें लॉस नहीं होता है। अब अगर मैं बात करूँ ALU की, जो कि मैंने अभी बताया आपको ALU का काम क्या रहता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस टाइप की फंक्शनैलिटी कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऐसे ही सेम CU की अगर हम बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, टोटली मैनेज करने का काम, कोऑर्डिनेट करेगा कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, डिकोड एनकोडिंग, ये सब काम किसके अंडर आता है, कंट्रोल यूनिट के अंडर आता है। अब अगर मैं बात करूँ CPU की, तो CPU कैसे बना, एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ALU एंड CU इज इक्वल्स टू CPU, यानी कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस CU कंट्रोल यूनिट इज इक्वल्स टू CPU, दैट इज
कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो ये काम, ये जस्ट आपको पता होगा ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन, यानी कि इसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे यूनिट्स को मैनेज करेगा, किसकी हेल्प से करता है? CPU, ALU और CU की हेल्प से करता है. ठीक है, तो ये